अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है होली है बलून्स फाइट पंजाब दी होली। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी अनपढ़ देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन कौन करते हैं फ्री टू वीडियो स्टार्ट। Thank you.
जंग शुरू होने लगी जी बलूंस दी जंग ललकारने की कोशिश की जा रही है। एक पार्टनर नहीं बना रखे हैं वो आगे साथ में जाके शाबा शाबा भाई तुम क्या काम हो उनके भाव आए हैं मैं
सारी जो वीडियो है बड़ी भाई फनी तरीके से बनाई गई थी। और एक जो सबसे बढ़िया जो सीन लगा ना वो लास्ट में जितना ना दिया वो बहुत बढ़िया लगा। और भाई एक भाई का जो था ना वो जो सिलेंडर के साथ जो सिलेंडर खोलता खुलवाता है उसके ऊपर ही वो डालता ना भाई जब जैसे भी वो बात करने लगता है उसके भूख असल में हर किसी को भाई साहब चुकन्ना अगर खेलना पड़ता है कहीं से भी आपकी नजर हटी ना उधर से आपके ऊपर वार हो गया। यहाँ पे वो सीन फिट होता नजर हटी दुर्घटना घटी तो अच्छा वो जो मारे थे उसमें रंग वाला पानी असल का वो सूखा पाउडर उसके ऊपर पहले गिराते थे अपना डिजाइन कर रहे एक दिन तरह के फिर जब वो पानी पड़ता ना तो वो बिखर जाता है पूरी बॉडी के ऊपर असल में इस तरह के मौके के ऊपर जिस एक की शामत आ जाना की सारा बेचारे की शामत आती रहती है उसे अपने भी मार रहे थे और लेकिन भाई बहुत बढ़िया खेल रहे होती पंजाब वाले भी अच्छे से खेलते लेकिन रश ज्यादा होना तो इससे ये अब ये जो बलून फेंक रहे थे अगर ये आंख पर लगे तो भाई नुकसान भी होगा पानी होता है नहीं नहीं पानी अगर इतनी जोर से फेंके जोर से पानी सीधा आंख पर लग जाती है हो सकता है कभी आंख सेंसिटिव होती थोड़ी सी लेकिन भाई बहुत अच्छा लगा देख लेकिन भाई लोगों ने एंजॉय बहुत किया किया भाई और करवाया भी भाई हमारी तो हंसी नहीं रुक रही। अच्छा ये सिलेंडर देखा बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल रहा था प्रेशर के वजह से हालत वो वो सीन अच्छा था जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनके ऊपर फेंक रहे ये सिलेंडर वाला सीन भी दास होता भाई तो बहुत बढ़िया लगा देख के। और भाई ये मैं तो कहता हूँ मल्ले वाले कोई नहीं बात करता इसमें ना कही हूँ की पेंट हो गुब्बारे मारते तो फिर वो खराब ही हो जाता है तो अक्सर मैंने देखा है कि जो घर जो मल्ले गली मल्ले होते हैं ना होली वाले वो सारे रंगीना जितनी दीवारें दूरे वो बाद में बेचारे जो धोने वाले उसको उनकी उनके लिए तंगी तकलीफ बनती है तो अच्छा मेरे साथ में भाई साथ में तो ये भी खुरफाती आइडिया आ रहा था कि अगर इस तरह को उसको पका ले ना भाई जिसके ऊपर ऊपर गिरेगा वो भाई साहब उतरेगा ही नहीं तो ठीक है भाई अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।